इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से। आयकर विभाग की टीम तीसरे दिन भी अश्विनी शर्मा के घर पर मौजूद है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, अश्विनी शर्मा और प्रतीक जोशी के घर पर सीआरपीएफ की सुरक्षा बरकरार है। अश्विनी शर्मा के घर और दफ्तर से मिले कई दस्तावेजों का परीक्षण कर रही है ये टीम। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, आज तीसरा दिन है, लगातार तीन दिनों से अश्विनी शर्मा के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। अश्विनी शर्मा के घर से बरामद 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हुई है। जब्त कर आईटी टीम ने अश्विनी शर्मा के घर से बाघ की खाल को भी बरामद किया है। तो फॉरेस्ट विभाग की टीम भी अश्विनी शर्मा के घर पहुंच चुकी है। आबकारी विभाग की टीम पहुंचने की सूचना मिल रही है। वहीं अश्विनी शर्मा के घर में वन्य प्राणियों की कई ट्रॉफी बरामद की गई है। वन्य प्राणियों के मृत शरीर को संरक्षित करके बनाई जाती थी ये ट्रॉफी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, अश्विनी शर्मा के घर से ट्रॉफी में शामिल वन्य प्राणियों की सूची है, जिसमें से ब्लैक बग, सांभर, चिकारा, टाइगर, चीता, हिरण, चीतल की खाल और संरक्षित वन्य प्राणियों की कई खालें बरामद की गई है। ट्रॉफी बनाई गई है और ट्रॉफी में इन जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से दुर्गेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आयकर विभाग की छापेमारी आज भी चल रही है, आज तीसरा दिन है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही थी, जो कि कल तक आयकर विभाग ने अपनी कार्रवाई जारी कर दी थी, मगर यहां पर अश्विनी शर्मा के घर पर एक दूसरा मोड़ आ गया है, जहां पर वन विभाग की टीम ने आयकर विभाग को वहां पर वन प्राणियों की खाल और उसके सींग वगैरह वहां पर मिले थे और विदेशी कुछ हथियार भी अश्विनी शर्मा रखने का शौक रखता था, जहां पर वन आयकर विभाग की टीम के द्वारा अध्ययन विभाग को सूचना दी गई, जिसकी तस्दीक की जा रही है, पता किया जा रहा है क्या ये खाल विथ रजिस्टर्ड, क्योंकि जैसा कि एक नियम के तहत में उसका रजिस्ट्री खाल को घर में रखने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वन प्राणियों की ऐसे आप अवैध खाल नहीं रख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा संगीन अपराध है। वहीं यदि हम विदेशी हथियारों की बात करें तो विदेशी हथियारों के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, विदेशी हथियार भी आप नहीं रख सकते हैं, यह भी एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि आयकर विभाग को वहां से मिले थे। आयकर विभाग की सूचना पर वन विभाग की टीम वहां पर कार्रवाई कर रही है, अश्विनी शर्मा से पूछताछ कर रही है कि यह इतना बड़ा कलेक्शन, जो कि वन्य प्राणियों की खाल, सर, सींग, आपके पास कहां से आए, ये सारी चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है। दुर्गेश, वहीं आबकारी विभाग भी मौजूद है, क्या कुछ और बरामद होने की आशंका बताई जा रही है? अभिषेक जी, आपको बता दें कि वहां पर आबकारी विभाग और वन विभाग की टीम, वो दोनों टीमें वहां पर मौजूद हैं। अश्विनी शर्मा से पूछताछ की जा रही है। आबकारी विभाग को वहां पर, आयकर विभाग को तकरीबन 252 विदेशी बोतल, बहुत महंगी शराबों का कलेक्शन भी रखा हुआ था अश्विनी शर्मा के पास में, जो आयकर विभाग, वो आबकारी विभाग जिसकी पूछताछ कर रही है कि इतना बड़ा कलेक्शन विदेशी शराब का, आपके मतलब वो विदेशी शराबों की जानकारी जांच पड़ताल में जुटी हुई है आबकारी विभाग। दुर्गेश, जिस तरह से इतनी ज्यादा शराब बरामद हुई है, जानवरों की खाल हो रही है, पैसा बरामद हुआ है, आखिर अश्विनी शर्मा का कनेक्शन क्या लग रहा है? क्या ये चुनाव को देखते हुए किसी नेताओं से जुड़े हुए हैं या कुछ और लग रहा है? जैसा कि आपको बता दें अभिषेक जी कि अश्विनी शर्मा एक बहुत, चलिए दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आईटी की छापेमार कार्रवाई की जा रही है, आज तीसरा दिन है और लगातार तीन दिनों से छापेमार कार्रवाई की जा रही है।